अपनी दूसरी पत्नी किरण राव को तलाक देने के बाद अब आमिर खान पर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ जहां जनता उन्हें ट्रोल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब बॉलीवुड सितारे भी आमिर की इस हरकत पर भड़क रहे हैं। इस बीच अब कंगना रनावत ने भी आमिर खान पर हमला बोल दिया है। कंगना ने आमिर के जरिए पूरे मुस्लिम समाज पर सवाल उठाए हैं। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक लंबा नोट शेयर करते हुए लिखा, एक समय पर पंजाब में ज्यादातर परिवारों में एक बेटे को हिंदू जबकि दूसरे बेटे को सिख बनाने का रिवाज था। ऐसा चलन हिंदू और मुस्लिम परिवारों में देखने को नहीं मिला। आमिर खान सर के तलाक के बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि अंतर धार्मिक विवाह में बच्चे हमेशा मुस्लिम ही क्यों बनते हैं, क्यों आखिर महिलाएं हिंदू नहीं बनी रह पाती। वक्त बदलने के साथ हमें इस प्रथा को भी बदलना चाहिए, ये एक पुरानी और उल्टी प्रथा है। अगर एक परिवार में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, राधा स्वामी, नास्तिक साथ रह सकते हैं तो मुस्लिम क्यों नहीं। आखिर क्यों किसी को मुस्लिम से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली पत्नी रीना दत्ता से आमिर के दो बच्चे जुनैद और इरा हुए, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। वहीं दूसरी पत्नी किरण से आमिर को एक बेटा आजाद है जिसके नाम के पीछे खान लगा हुआ है। कंगना रनौत के उठाए इन सवालों पर कई लोगों ने अपनी सहमति जताई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।